द टॉपिक मेनली वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज कम्प्लायंस बट कम्प्लायंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं लाइक मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग प्रेशर रिलेटेड टू द पल्मोनरी वेंटिलेशन और प्रेशर के जो ग्राफ्स होते हैं इंस्परेशन और एक्सपायरेशन के दौरान वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कंप्लायंस को तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग का अगर हम लोग एक जस्ट ओवरव्यू ले तो हमें पता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम का रिस्पॉसिबल डायफ्राम रिस्पॉसिबल होता है मतलब इंस्पायरेशन के, के समय में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है और एक्सपायरेशन के समय में वही डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंस्पायरेशन नॉर्मल इंस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है जबकि नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में डायफ्राम का मेनली रोल होता है बट हैवी ब्रीदिंग जब करना होता है तो फिर चेस्ट वॉल का भी रोल होता है ब्रीदिंग के क्योंकि ये जो होता है वो उसको alter करने का काम करता है Chest wall के कौन -कौन है, के अंदर कौन-कौन सी होती होती हैं हैं समय में? तो inspiratory muscles होती कुछ और कुछ एक्सपायरेटरी मसल्स होती हैं इंस्पायरेटरी मसल्स जो कि में help करती है heavy breathing के दौरान उसमें आ जाता है डायफ्राम आ जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाती हैं ये दोनों मेन इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं ड्यूरिंग हैवी ब्रीदिंग और भी कुछ इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं जिसके अंदर जिसके अंदर स्टर्नोक्डोमेस्ट्रॉइड मसल आ जाता है सेरेटस इंटीरियर मसल आ जाता है और स्केलेनाइज मसल्स आ जाती हैं एक्सपायरेटरी मसल्स अगर हम लोग देखें जो कि हेवी ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करती हैं उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आ जाता है जो कि असिस्टेड होता है बाय द रेक्टस एबडोमनाई ट्रांसवर्सस एबडामनाई इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो कि एबडामिनल मसल्स होती हैं उनसे ये असिस्टेड होता है तो ये टोटल हम लोग कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है रेस्पिरे, रेस्पिरेशन के समय में स्पेशली ब्रीदिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के समय में कौन कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ये हमने डिस्कस किया इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्रेशर रिलेटेड टू द पलमूनरी वेंटिलेशन नाउ कमिंग टू द प्रशर्स रिलेटेड टू द पल्मोनरी वेंटिलेशन इसके अंदर हम लोग को टोटल जितने पलमोनरी वेंटिलेशन के अंदर जितने प्रेशर्स हम लोग को पढ़ने हैं मेनली हम लोग को तीन प्रेशर्स के बारे में समझना है एक इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर दूसरा इंट्रा प्लूरल प्रेशर और तीसरा ट्रांस पलमोनरी प्रेशर सबसे पहले हम लोग इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर समझते हैं एज द नेम सजेस्ट इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्व्यूलाई के अंदर का प्रेशर होता है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको देखें तो ये एक लंग्स हम लोग एज्यूम करते हैं और उसके अंदर ये एल्वियोलाई है इस एल्व्यूलाई के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर कहते हैं नॉर्मल मैनबर के अंदर जिसके अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि वो ना इंस्पायर हो रहा है लंग ना इंस्पायरिंग कंडीशन में है ना एक्सपायरिंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में मान के चला जाता है कि जो इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर होता है वो जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है जो कि एक रिलेटिव टर्म है क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एटमोसफेयर के अंदर जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है तो उसके रिलेशन में इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो है वो जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है मतलब ना ही कोई इंस्पाइरेशन चल रहा है और ना ही कोई एक्सपायरेशन चल रहा है ये एक नॉर्मल रिलेटिव टर्म होती है जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर जब इंस्पायरेशन करना होता है लंग्स को तो लंग्स को अपने अंदर एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है तो एल्वलई जो होता है उसके अंदर माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर का इंट्रा एल्वुलर प्रेशर आ जाता है ये माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंट्रा एल्वुलर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है क्योंकि आउटसाइड जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर मेंटेन है और अंदर दैट इज़ इंट्रा एलवलर प्रेशर माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर है इस वजह से जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है दैट इज आउटवर्ड से इनवर्ड्स की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन हो पाता है तो इंस्पायरेशन के दौरान इंट्रा एल्यूलर प्रेशर माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मेंटेन रहता है जबकि एक्सपायरेशन के समय में जब एक्सपायरेशन करना होता है लंग्स को तो वो इंट्रा एल्यूलर प्रेशर जो होता है वो प्लस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है मतलब ग्रेटर देन दी आउटसाइड जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर जिस वजह से एयर जो होता है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर पाता है और नॉर्मल एक्सपायरेशन परफॉर्म हो पाता है एट इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर ऑफ प्लस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर तो ये पहला प्रेशर का कंसेप्ट था दैट इज इंट्रा एल्ब्यूलर प्रेशर सेकेंड प्रेशर जो हम लोगों को समझना है वो है इंट्रा प्लूरल प्रेशर इंट्रा प्रेशर कुछ नहीं एक सेक्शन प्रेशर होता है एक्चुअली में ये हम लोग के चेस्ट वॉल हम लोग के चेस्ट वॉल का जो प्लूरा होता है और लंग का प्लूरा होता है मतलब लंग के बाहर हम लोग को पता है दो कवरिंग होता है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग पेराइटल प्लूरा कहते हैं इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूड इस प्लूरल फ्लूड का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते हैं कुछ नहीं सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको समझने के लिए समझे तो ये एक सक्शन प्रेशर होता है सक्शन प्रेशर मतलब ये वैक्यूम क्लीनर जैसे किसी भी चीज को सक करने का, का काम करता है वैसा ही ये प्रेशर होता है जो कि दोनों लंग के प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर सेक्शन प्रेशर होगा तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए सी बात है कि ये नेगेटिव में ये प्रेशर होगा तो अब जब ये प्रेशर का सेक्शन प्रेशर जो होता है इसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है ये जो होता है वो मेनली लंग्स के एल्वलाई को एक्सपैंड करने का काम करता है मतलब जब ये इंस्पायरेशन के समय में ये सेक्शन प्रेशर या फिर इंट्राप्लोरल प्रेशर जो होता है वो माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है और ये माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर का जो प्रेशर होगा ये जो सेक्शन प्रेशर होगा ये इतना सफिशियंट होता है कि इस एल्वियोलाई को ये एक्सपेंड करके रखे तो इस एल्वियोलाई को एक्सपेंड करता है ये माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर का सक्शन प्रेशर जिस वजह से एयर जो होता है वो अंदर की तरफ आ पाता है नेक्स्ट केस में जब एक्सपायरेशन का समय आता है तब यही इंट्राप्ल प्रेशर जो होता है वो माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है मतलब निगेटिव में ये प्रेशर इससे घट गया घट गया मतलब ये उतना सफिशेंट सक्शन नहीं क्रिएट कर पाता है तो इस केस में एक्सपायरेशन होता है अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर की सेक्शन प्रेशर की क्यों रिक्वायरमेंट थी जब हमें एक्सपायरेशन ही करवाना था तो ये सेक्शन प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों थी तो इसका आंसर ये है कि अगर ये सक्शन प्रेशर एक्सपायरेशन के समय में नहीं होता तो एयर तो ठीक है कि इससे बाहर निकल जाती लेकिन फिर क्या होता है कि ये एल्वियलाई जो होता है वो कोलैप्स कर जाता तो ये एलव्यूलाई एक्सपेंडेड कंडीशन में ही रहे ये एलवलाई कोलेप्स न कर जाए इसके लिए माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इंट्राप्ल प्रेशर के की रिक्वायरमेंट होती है इवन इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन इसीलिए इंट्राप्ल प्रेशर जो होता है वो इंस्पायरेशन के समय में माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर और एक्सपायरेशन के समय में माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर हम लोग को देखने को मिलता है बिकॉज माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिस एक्सपेंसर टू प्रमोट द इंस्पायरेशन और माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ द वाटर दैट इज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट इज सफिशियंट टू प्रिवेंट द ये collapsing को प्रिवेंट करता है नाउ हमने इंट्रा एलव्यूलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर समझ लिया बट इन दोनों को समझने के बाद हमें एक ऐसा प्रेशर या फिर एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो इन दोनों प्रेशर को लिंक कर सके इन दोनों प्रेशर को लिंक करने का क्या क्यों ज़रूरत है क्योंकि इंट्रा एलव्यूलर प्रेशर से हम लोगों को यह पता चला कि एल्व्यूलाई के अंदर कौन सा प्रेशर है जो कि इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन को प्रमोट कर रहा है इंट्रा प्लूरल प्रेशर से हम लोग को यह पता चला कि कौन सा ऐसा सक्शन प्रेशर है जो कि एल्व्यूलाई को एक्सपैंड करवा करके रखाया हुआ है जिसकी वजह से इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन हो रहा है अब इन दोनों पैरामीटर को मिला करके हम लोगों को एक ऐसा पैरामीटर डिराइव करना है जिससे हम लोग को एल्वियुलाई और ये जो सक्शन प्रेशर है दोनों का हम लोगों को इफेक्टिवनेस एक ही पैरामीटर के अंदर मिल जाए तो वो पैरामीटर होता है ट्रांसपलमोन्ड्री प्रेशर ट्रांसपलमोन्ड्री प्रेशर जो होता है वो होता है इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर इन दोनों पैरामीटर्स को लिंक करके ये एक पैरामीटर बनता है ट्रांसपलम्ड्री प्रेशर जो कि इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस हम लोग को बताता है एल्वियोलाई और आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स के बीच में मतलब इस एल्व्यूलाई और आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स के बीच में जो इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस हम लोग को बताता है वो वह ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है जो कि एक्चुअली में इंट्रा एलव्यूलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है और ये जो इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस है दैट इज ट्रांसपल्मी प्रेशर है ये एक्चुअली में किस चीज़ का मेजरमेंट है ये इलास्टिक फोर्सेज ऑफ द लंग्स का मेजरमेंट है मतलब ये लंग्स के कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को कोलैप्स ना कर पाए मतलब इसका इलास्टिक फोर्स कितना लगा सकता है वही तो है इस ट्रांस की कैपेसिटी या इस ट्रांस का इलास्टिक फोर्स मतलब इस इस लंग्स का इलास्टिक फोर्स मतलब वो एक्चुअली में वही प्रेशर डिफरेंस है वो एक्चुअली में वही ट्रांसपलमोनरी प्रेशर है जो उस लंग्स की कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है तो ये एक फाइनल पैरामीटर हम लोग के पास आता है ट्रांसपलम्री प्रेशर जिसको हम लोग आगे डील करेंगे पर इससे स्टार्ट करें आगे कंप्लाइंस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस ग्राफ को एक इंपॉर्टेंट ग्राफ को अच्छे से डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग को इंट्रा एल्वुलर प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर को इंस्पायरेशन और एक्सपाइरेशन के फॉर्म में हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता है एक नॉर्मल वॉल्यूम नॉर्मल लंग जब नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो 500 मिलीलीटर का होता है मतलब अगर ऐसा हम लोग मान के चले कि पहले रिलेटिवली उसके अंदर वैसे तो पहले उसके अंदर जीरो उसके अंदर कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर बट ऐसा अगर मान के चले कि लंग्स के अंदर इनिशियल वॉल्यूम जीरो वोलियूं मिली ली 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 है तो जब नॉर्मल इंस्पायरेशन करता है वो लंग्स तो अपने अंदर फाइव मिलीलीटर का एयर वो अपने अंदर फिल करता है और एक्सपायरेशन के समय में एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय में 500 मिलीलीटर का एयर वो एक्सपायर करता है अब इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था जो कि इंस्पायरेशन के समय में माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर और एक्सपायरेशन के समय में प्लस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है तो ये इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जब कुछ नहीं हो रहा है ना इंस्पायरेशन हो रहा है ना एक्सपायरेशन हो रहा है मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यह पूरा ड्यूरेशन जो है वो इंस्पायरेशन का है और ये पूरा ड्यूरेशन जो है वो एक्सपायरेशन का है और ये जो मिडिल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये एक ऐसा समय है जहाँ पे ना इंस्पायरेशन हो रहा है और ना एक्सपायरेशन हो रहा है तो इंट्रा एलवेलोर प्रश्न हमने देखा था कि जब ना इंस्पायरेशन होता है और ना एक्सपायरेशन होता है मतलब नॉर्मली जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर होती है जो कि इस और इस पॉइंट पर होगा जब ये आ, जब इंस्पायरेशन कंडीशन में आता है लंग्स तब जाकर के ये इंट्रा एलवलर प्रेशर जो होता है वो माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे चला जाता है ताकि अंदर की तरफ एयर का इन्फ्लक्स हो सके तो ये हम लोग देख सकते हैं इंस्पायरेशन में ये इंट्रा एलवलर प्रेशर माइनस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर को टच करता है फिर ये ज़ीरो पर पहुँचता है फिर एक्सपायरेशन के समय में ये प्लस वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर जाता है और फिर फाइनली ये ज़ीरो पर पहुँच जाता है तो ऐसे इंट्रा एलवलर प्रेशर का ग्राफ बनता है इंट्रापलमोनरी प्रेशर हम लोग को पता है कि इंट्रापलमोड्री प्रेशर इंस्पायरेशन के समय में माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वॉटर होता है मतलब जब इंस्पायरेशन होने वाले इंस्पिरेशन करवाने के लिए हमें माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर का इंट्राप्ल प्रेशर चाहिए तो अगर मान लेते हैं कि इसके पहले एक्सपायरेशन हुआ रहा होगा तो एक्सपायरेशन में वो होता है माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंट्राप्लूरल प्रेशर मतलब सेक्शन प्रेशर अब ये माइनस फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर का जो ये प्रेशर है ये अब मूव करता है माइनस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर की तरफ जब ये माइनस फाइव से माइनस सेवन पॉइंट फाइव की तरफ मूव करता है तभी जा करके एल्ब्यूलाई जो होती है वो एक्सपेंड करती है और एयर का इन्फ्लक्स होता है और ये प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन होता है फिर जैसे ही ये माइनस सेवन पॉइंट फाइव पर पहुँचता है उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू करता है माइनस फाइव की तरफ से के तरफ मतलब लंग्स की जो एल्वियलाई होती है वो धीरे धीरे कोलैप्स करना स्टार्ट करती है लेकिन माइनस फाइव पर आकर रुक जाती है क्योंकि इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा कोलेप्स हो जाएगा एलव्यूलाई तो ये ऐसे करके इंट्रा प्लूरल प्रेशर का जो होता है वो ग्राफ दिख जाता है अब इंट्रा एलव्यूलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर इन दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं तो इस डिफरेंस को ये डिनोट करता है इसके बीच का ये जो पूरा डिफरेंस है इन दोनों प्रेशर के बीच का उसी को हम लोग ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं या नाउ ये प्रेशर रिलेटेड टू द पल्मोनरी वेंटिलेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे कमिंग टू कंप्लायंस ऑफ द लंग कम्पलायंस ऑफ़ द लंग से पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया मेन हम लोग को डिस्कस करना था एक पैरामीटर जो था ट्रांसपलमोनरी प्रेशर ट्रांसपलमोनरी प्रेशर वो पैरामीटर था जो कि दोनों इंट्राइलव्यूलर प्रेशर और इंट्राप्लर प्रेशर दोनों को कंबाइंड कर करके एक इफेक्टिव हमने पैरामीटर निकाला ट्रांसपलमोनरी प्रेशर जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या फिर लंग की इलास्टिसिटी को डिनोट करता था अब कम्प्लायंस क्या होता है कि ये जो ट्रांसपलमोनरी प्रेशर का यूनिट चेंज है उस यूनिट चेंज में लंग का एक्सपेंशन किस एक्सटेंट पे हो पा रहा है उसी को हम लोग कंप्लायंस ऑफ लंग कहते हैं सरल भाषा में अगर समझे तो कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एक्चुअली में लंग की इलास्टिसिटी के इलास्टिसिटी uh, के अकॉर्डिंग होता है मतलब लंग्स जो होगा वो कितना अपने आप को फैला सकता है लंग्स जो होता है वो कितना एक्सपैंड कर सकता है उसी को हम लोग कंप्लायंस कहते हैं तो लंग कितना एक्सपेंड कर सकता है उसी को हम लोग कम्पलायंस कहते हैं बट इसका डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि एक्सटेंट ऑफ द लंग एक्सपेंशन बाय द यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वही इफेक्टिव प्रेशर है जो कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन के लिए तो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल प्रेशर को ही हम लोग कंसिडर करेंगे तो यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में कितने एक्सटेंट तक लंग एक्सपेंड हो जाता है उसी को हम लोग कंप्लायंस ऑफ द लंग कहते हैं अगर इस कम्पलायंस ऑफ द लंग की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो दोनों लंग्स के लिए कम्प्लायंस जो होता है वो 200 हंड्रेड मिली लीटर पर वन सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंज इन ट्रांसपलबॉन्डी प्रेशर मतलब एक सेंटीमीटर ऑफ वाटर अगर चेंज होता है ट्रांसपल बॉन्डी प्रेशर में तो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं टू हंड्रेड मिली लीटर तक मतलब उसके अंदर टू हंड्रेड मिली लीटर एयर जो है वो एक्मोलेट कर सकता है उतना उसका कैपेबिलिटी होता है एक्सपेंड करने का तो ये होता है कम्पलायंस का वैल्यू फॉर बोथ लंग्स अब इसको हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिसको हम लोग कंप्लायंस डायग्राम कहते हैं कंप्लायंस डायग्राम एक्चुअली में लंग वॉल्यूम चेंज और प्लूरल प्रेशर के बीच का डायग्राम होता है लंग वॉल्यूम चेंज मतलब लंग के अंदर कितना एयर फिल हो रहा है कितना वॉल्यूम का एयर फिल हो रहा है जिस वजह से लंग का कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और प्लूरल प्रेशर क्या है इन दोनों के बीच का जो डायग्राम ग्राफ होता है उसी को हम लोग कंप्लायंस डायग्राम कहते हैं ये डायग्राम जो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसमें हम लोगों को ये डिफ्लेशन का कर्व दिख रहा है और ये इन्फ्लेशन का कर्व दिख रहा है मतलब एक्चुअली में ये एक्सपायरेटरी कम्पलायंस कर्व है और ये इंस्पायरेटरी कम्पलायंस कर्व है मतलब इंस्पायरेटरी कम्पलायंस कर्व कैसे होता है कि जैसे ही प्लूरल प्रेशर बढ़ता है तो लंग वॉल्यूम का चेंज जो होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये कुछ इस पैटर्न में बढ़ता है तो ये एक्सपेरिमेंटली uh, uh, निकाला गया है कि इंस्पायरेटरी कम्पलायंस कर्व जो है जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो लंग का जो एक्सपेंशन होता है जिस एक्सटेंट से हो रहा है उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उसका ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है और जब हम लोग एक्सपायर करते हैं तब जो लंग का कम्प्लायंस का कर्व आता है तो वो इस तरह से आता है क्योंकि लंग्स का उसके बाद डीफ्लेशन होगा पहले लंग का इनफ्लेशन होगा जब इंस्पायर करेंगे और जब लंग का डीफ्लेशन होता है तो फिर लंग का कर्व जो होता है कम्पलायंस का कर्व वो कुछ इस तरह का आता है इन दोनों कर्व के बीच में मतलब एक्सपायरेटरी अब एक्सपायरेटरी कंप्लायंस कर्व और इंस्पायरेटरी कंप्लायंस कर्व के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं हिस्टेरिस कहते हैं हम लोग तो ये एक नॉर्मल कम्पलायंस डायग्राम है अब ये कंप्लायंस डायग्राम जो होता है वो दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है सबसे दो फोर्सेस होते हैं जो कि दो एक्चुअली में अपोज करते हैं इन्फ्लेशन को मतलब कंप्लाइंस मतलब क्या हुआ कि लंग्स कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं इस एक्सपेंशन को अपोज करने के लिए दो फोर्सेस होते हैं पहला इलास्टिक फोर्स ऑफ द लंग टिश्यू और दूसरा इलास्टिक फोर्सेस बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूड लाइनिंग द एल्ब्यूलाई मतलब लंग के अंदर ऑबियस बात है कि अगर लंग टिश्यू होगा तो वो अपने एक्सपेंशन को क्या करता है आ, वो अपने एक्सपेंशन को अपोज करता है मतलब हमारे पास अगर कोई भी रबड़ होता है लाइक रबड़ बैंड तो रबड़ बैंड को अगर हम लोग ऐसे रखते हैं तो वो नॉर्मली रखा रहता है बट जैसे ही हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो उसको अपोज करता है कैसे पता चलेगा कि वो उसको अपोज कर रहा है तो जैसे ही हम लोग उसको छोड़ेंगे तो वो क्या होता है अपने नॉर्मल नॉर्मल लोकेशन पर वो अपने नॉर्मल लोकेशन पर अपने पोजिशन को रिट्रैक्ट कर लेता है इसी तरह लंग्स भी करता है तो लंग्स भी इसका मतलब कि उसके अंदर जो इलास्टिक फोर्सेस हैं वो अपोज कर रहे हैं उसके एक्सपेंशन को तो ये एक अपोजिंग फोर्स होता है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू जो कि लंग टिश्यू के अंदर इलास्टिन और काट कोलेजन जो प्रेजेंट होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस इलास्टिक फोर्सेज ऑफ द लंग टिश्यू के लिए जो कि अपोज करते हैं इन्फ्लेशन का या फिर एक्सपेंशन का दूसरा जो फोर्स होता है वो इलास्टिक फोर्सेज बाय द सर्फेस टेंशन ऑफ द फ्लूड लाइनिंग द एलव्यूलाई एक्चुअली में जो लंग्स होता है लंग्स के अंदर जो एलवियुलाई होते हैं उन एल्वियुलाई के अंदर एलवई को लाइन करती है कुछ एलवई को लाइन करती है कुछ फ्लूइड लाइन करती है और ये जो लाइनिंग फ्लूइड्स होते हैं ना उनके सरफेस टेंशन जो होता है वो भी जो इन्फ्लेशन होता है उसको अपोज करते हैं जैसे इसको हम लोग नॉर्मल डायग्राम से समझे तो लेट सपोज दिस इज़ अ लंग एलवियुलाई ये जो लंग एलवई होती है इस लंग एलवई के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये जो फ्लूइड होता है

वही एक force है जिसको कोई balance नहीं कर पा रहा है है और इस surface tension की वजह से एक inward force generate करता है जिस वजह से अब क्योंकि अंदर की की तरफ इस वजह वजह से से लग रहा है जिस से ये expansion को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है तो ये इलास्टिक फोर्सेस बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लुड लाइनिंग एलव्यूलाई भी अपोज करते हैं एक्सपेंशन को या फिर इन्फ्लेशन तो अब ये जो दो अपोजिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो सरफेस टेंशन वाला जो अपोजिंग फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है टू थर्ड ऑफ द रोल प्ले करता है सरफेस टेंशन और वन थर्ड रोल प्ले करता है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो डिफ्लेटेड लंग और एक्सपेंडेड लंग्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो कोई नॉर्मल डिफ्लेटेड लंग होता है उसके अंदर ये जो इलास्टिन एंड कॉलेजन को, होता है ये जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड एंड किंग डिस्टेट में होते हैं और एक्सपेंडेड लंग्स के अंदर फाइबर्स uh, जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड और अनकिंक्ड स्टेट में होते हैं जिस वजह से वो मोर इलास्टिक फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं ये वही uh, ये सारी बातें वही लैंग्वेज में है कि अगर कोई डिफ्लेटेड लंग होगा मीन्स अगर पहले तो कोई अगर कोई एक्सपेंडेड लंग होगा मीन सपोज कीजिए कि एक्सपेंडेड लंग मतलब ये एक रबड़ बैंड है ये एक्सपेंडेड कंडीशन में मीनस इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे तो इसके अंदर के जो फाइबर्स होंगे वो स्ट्रेच्ड हो जाएंगे और अन हो जाएंगे मतलब एक दूसरे से अन नहीं रहेंगे तो स्ट्रेच्ड और अन स्टेट में इसके अंदर इलास्टिक फोर्स ज्यादा जनरेट होगा मतलब जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे तुरंत ये फोर्स के

सरफेस टेंशन का एक और एक और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर हम लोग कोई लंग को सेलाइन से फिल कर देते हैं तो जैसे ही लंग को सेलाइन से फिल कर देंगे तो इस सैलवेडे के बीच में वाटर वाटर आ, 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 आ जाएगा तो एयर वाटर इंटरफेस नहीं बन पाएगा और अगर एयर वाटर इंटरफेस नहीं बन पाएगा तो ये सारे फोर्सेज बैलेंस हो जाएंगे जिस वजह से सरफेस टेंशन नहीं आ पाएगा और अगर सरफेस टेंशन नहीं आएगा तो कम्प्लांस का डायग्राम जो होगा वो ऐसा बनेगा इसीलिए सैलाइन फिल्ड लंग्स के अंदर जो कम्पलाइंस का डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा बनता है जबकि एयर फिल्ड जो लंग्स होते हैं जिसके अंदर सरफेस टेंशन बन पाता है उसके अंदर नॉर्मल कम्पलायंस डायग्राम बनता है तो सैलाइन uh, फिल्ड लंग्स के अंदर क्योंकि एयर फ्लूडेंस इंटरफेस नहीं है इसीलिए सरफेस टेंशन जीरो होता है और उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है मतलब कंप्लायंस उसके अंदर ज़्यादा नहीं होता है जबकि जो एयर वाटर एयर फ्लूड इंटरफेस जिसके अंदर प्रेजेंट है मतलब नॉर्मल लंग्स जो है जो कि एयर फिल्ड होता है उसके अंदर नॉर्मल कम्पलायस गर्व देखने को मिलता है तो ये उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम लोग देख सकते हैं इसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग रोल ऑफ सरफेक्टेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं सरफेक्टेंट्स का क्या रोल होता है सरफेक्टेंट्स एक्चुअली में क्या काम करते हैं सबसे पहले तो सरफेक्टेंट का मेन काम होता है कि वो एलव्यूलाई के अंदर सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं ये जो फ्लूड है जो कि एलव्यूलाई के अंदर एलव्यूलाई uh, के अंदर फ्लूड uh, लाइनिंग जो प्रेजेंट है एलव्यूलाई के अंदर जो कि एक इफेक्टिव एयर वाटर इंटरफेस बना रही है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बन रहा है उस सरफेस टेंशन को काम कम करने का काम करता है सर्फेक्टेंट सरफेक्टेंट की क्यों ज़रूरत है सरफेस टेंशन जो है वो एक्सपेंशन को अपोज कर रहा है अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट कर रहा है अगर ये बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा तो क्या होगा कि लंग्स की एलव्यूलाई जो होंगी वो कोलैप्स कर जाएंगे क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लगाता है सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन को कम करने के लिए अगर सरफेक्टेंट नहीं होगा तो ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है क्योंकि हमने बताया था टू थर्ड फोर्स होता है तो ये इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि लंग्स को ये या फिर एलव्यूलाई को ये कोलेप्स करवा देगा इसीलिए इसका मेन काम होता है कि स्टेबलाइज करने का काम करता है एल्विलाई को मतलब दे प्रिवेंट्स दी एल्विलाई फ्रॉम कोलैपसिंग अब अगर हम लोग इसके केमिकल कंस्टिट्यूंट्स की बात करें तो इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है डीपीपीसी पी दैट इज डाई पामिटोइल फॉस्फोटाइडिल कोलिन प्रेजेंट होता है इसके साथ साथ कुछ एपोप्रोटीन्स और कुछ आयन्स लाइक कैल्शियम भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सरफेक्टेंट्स uh, के अंदर सरफेक्टेंट जो, होते है, होता, है cells, जो होता है वो प्रोड्यूस होता है टाइप टू एलव्युलर एपिथीलियल सेल्स जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो टाइप टू एल्व्युलर एपीथीलियल सेल्स इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है सरफेस टेंशन अगर हम लोग बात करें नॉर्मल फ्लूड का सरफेस टेंशन अगर विदाउट सरफेक्टेंट होगा तो वो फिफ्टी डाइन पर सेंटीमीटर का इनवर्ड फोर्स जनरेट करता है बट अगर जो कि नॉर्मल लंग्स के अंदर नहीं होता है नॉर्मल लंग्स के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल फ्लूड प्रेजेंट होता है विद सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये सरफेस टेंशन रिड्यूस होकर के फाइव से थर्टी डाइन पर सेंटीमीटर का ही लगता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो ये इतना ज़्यादा फोर्स होता है फिफ्टी नाइन पर सेंटीमीटर कि ये एलवलाई को कोलेप्स करवा देगा इसी से रिलेटेड एक क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉन इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि न्यूबॉन ये सिंड्रोम एक्चुअली में एक लॉ पे चलता है दैट इज लैपलाइस लॉ होता है लैपलॉज लॉ जो होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू तो टू इन टेंशन अपॉन रेडियस इसका मतलब यह है कि वो जो प्रेशर जो होता है मतलब तो अगर हम लोगों को एक स्मॉल रेडियस के एलव्यूलाई को ओपन रखना है तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर चाहिए और अगर हम लोग के लार्ज एलवलाई को अगर हम लोग को ओपन रखना है तो उसके लिए कम प्रेशर चाहिए मतलब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द एलवई होता है प्री मेच्योर बेबी बेबी के अंदर रेडियस जो होता है अगर प्री मेच्योर बे बेबी है मतलब उसका लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया है जिस वजह से उसका एल्विलाई का जो रेडियस होता है वो कम होता है और अगर एल्विलाई का रेडियस कम होगा तो जो प्रेशर चाहिए होगा हमने पढ़ा कि अगर जो कम एल्विलाई को ओपन रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है तो अगर स्मॉल रेडियस है तो उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए ओपन रखने के लिए मतलब ये एक्चुअली में कंडीशन जो है वो कोलेपसिंग को प्रमोट कर रही है उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कि प्री मेच्योर बेबी में एक तो रेडियस कम है एलवलाई का दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इनके अंदर एब्सेंट या फिर डिक्रीज सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि प्री मेच्योर बेबी है मेच्योर उसका लंग्स उतना मेच्योर नहीं हो पाया जिस वजह से सरफेक्टेंट का अमाउंट जो होता है वो उनके अंदर कम रहता है या फिर हो सकता है नहीं भी होता हो जिस वजह से अगर सरफेक्टेड नहीं है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगा और सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इन्वर्ड फोर्स ज़्यादा होगा जिस वजह से वो कोलेपसिंग को प्रमोट करेगा तो इसीलिए प्री मेच्योर बेबी के अंदर कोलेपसिंग ऑफ द लंग्स देखने को मिलता है अगर प्री मेच्योर बेबी है तो उसका चांसेस ज़्यादा है कि उनका लंग्स कोलेप्स कर जाए और इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉन फिर कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कम्पलान्स के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक और पैरामीटर uh, के बारे में दैट इज ग्रेविटी कॉजिंग द रीजनल वेरिएशन इन द कम्पलान्स एक लंग के अंदर ये जो कम्प्लैंस होता है वो हर एक रीजन uh, में सेम नहीं होता है मतलब ऊपर से नीचे ये वेरी करता है अगर हम लोग बेसल रीजन की बात करें मतलब नीचे वाले लंग्स के रीजन की बात करें तो लंग्स का जो निचला पोर्शन होता है जिसको हम लोग बेसल रीजन कहते हैं वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है मतलब इस पर ज़्यादा ग्रेविटी काम कर रहा होता है और इस पर अगर ज़्यादा ग्रेविटी काम कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसका इंट्रल इंट्रा प्लूरल प्रेशर लेस निगेटिव है ऑब्वियसली बात है कि अगर ज़्यादा ग्रेविटी काम करेगा तो जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो उतना निगेटिव नहीं रह पाएगा क्योंकि इसको ज़्यादा खींच रहा है ये ज़्यादा खींच रहा है तो ये ज़्यादा सक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहा है ज़्यादा सेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा है मतलब लेस निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर है और लेस निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर होने की वजह से ये जो वाला ये जो बेसल रीजन होता है लंग्स का वो मोर कम्पलेंट होता है और मोर कम्पलेंट होने की वजह से इसका मोर वेंटिलेशन होता है जबकि जो अपर रीजन होता है उसके अंदर उतना ज़्यादा इंट्राप्लूरल प्रेशर निगेटिव इतना ज़्यादा होता है कि एलविलाई जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है उसका काम क्या होता है वो सक्शन क्रिएट करता है और एलविलाई को एक्सपेंडेड uh, करने का काम करता है तो इंट्राप्ल प्रेशर क्योंकि अपर रीजन में ज़्यादा निगेटिव होता है जिस वजह से एलविलाई ज़्यादा एक्सपेंड होता है और एलविलाई ज़्यादा एक्सपेंड होने की वजह से एलविलाई का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और अगर एलवि का वॉल्यूम पहले से ही बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो वो ज्यादा कंप्लेंट होगा कि कम होगा बात है कि अगर पहले से ही वो ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज है तो वो और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा इसलिए ये लेस कंप्लेंट होता है और लेस कंप्लेंट होता है इस वजह से यहां पर लेस वेंटिलेशन होता है इसीलिए लंग्स के बेसल रीजन के अंदर ज्यादा वेंटिलेशन देखने को मिलता है और लेंस और लंग्स के अपर रीजन के अंदर लेस वेंटिलेशन देखने को मिलता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लायंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स टुगेदर मतलब ये तो हमने लंग्स का कंप्लायंस पढ़ा उसके बाद थोरेक्स का अपना एक कंप्लायंस होता है अब थोरेक्स जो होगा वो क्या करेगा एक्सपेंशन को वो भी इनिबिट करेगा वो भी मतलब एक्सपेंशन को अपोज करेगा तो लंग्स और थोरेक्स टुगेदर का जो कंप्लायंस होता है वो लंग्स के कंप्लायंस से कम होता है इनफैक्ट हाफ होता है तो कम्प्लांस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स टुगेदर इज हाफ ऑफ द लंग्स एलोन एलोन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंज इन ट्रांसपल मोट्री प्रेशर होता है इसके बाद एक और टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो कि एक्चुअली में वर्क ऑफ इंस्पिरेशन होता है क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है और इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है इसीलिए वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो नॉर्मली वर्क ऑफ इंस्पिरेशन हम लोग मानते हैं अब ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग या फिर वर्क ऑफ इंस्पिरेशन जो हमें करना होता है वो कौन से फोर्सेस के अगेंस्ट करना पड़ता है पहला जो करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कम्पलाइंस या फिर इलास्टिक वर्क कहते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द लंग्स अगेंस्ट लंग एंड चेस्ट इलास्टिक फोर्सेस इसी को हम लोग कहते हैं कम्पलायस या फिर इलास्टिक वर्क सेकेंड जो वर्क होता है उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, वर्क जो होता है वो वो वर्क होता है जो कि करना पड़ता है टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ द लंग एंड चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर्स मतलब जो लंग्स और चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर की अपनी विस्कोसिटी या फिर रेजिस्टेंस है उसको ओवर करने कम करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क तीसरा जो वर्क होता है वो होता है एयर वे रेजिस्टेंस वर्क मतलब एयर को अंदर आने में भी एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं एयर वे रेजिस्टेंस वर्क तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर इंस्पायरेशन करने के लिए हमें तीन वर्क करना पड़ता है एक कंप्लाइंस है फिर इलास्टिक वर्क जो कि ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है लंग और चेस्ट के इलास्टिक फोर्सेस को एक्सपेंड करने के लिए करना पड़ा दूसरा टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क और तीसरा एयरवे रेजिस्टेंस वर्क इसके बाद एक नॉर्मल क्लिनिकल 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 पार्ट है दैट इज़ ये कंप्लाइंस कब इंक्रीज स्टेट में होता है और कब डिक्रीज स्टेट में होता है तो इंक्रीज कम्पलाइंस जनरली हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मल एजिंग प्रॉन्के अस्थमा और एम्फाइजिमा केस में और डिक्रीज कंप्लाइंस हम लोग को देखने को मिलता है फाइब्रोसिस रेड्यूज सर्फेक्टेंट जैसे कि प्री मेच्योर इन्फेंट्स हो गया उनके केस में जो कि हमने देखा था उसके बाद पलमोड्री हाइपर और एल्व्यूलर एटेलेक्टेसिस के केस में हम लोग को रेड्यूज कंप्लाइंस देखने को मिलता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस video if you like this video please hit the like button do subscribe our channel and if you want uh, notes on such videos uh, please uh, message me on my instagram handle link is given in the description below thank you